अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुंबई का मोस्ट पॉपुलर पुलाव। आज मैं आपके साथ जमजम पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक ही पुलाव में कई सारे आपको जायके मिलने वाले हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करना है, आप देखेंगे बेहतरीन, बहुत ही उम्दा पुलाव बनेगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें मटन की यखनी तैयार कर लेनी है। आधा किलोग्राम मटन लिया हुआ है, एक चम्मच इसमें नमक डाल देंगे एक टीस्पून के करीब, और एक टीस्पून के करीब डाल देंगे इसमें हरी मिर्च का पेस्ट। तो 15-20 हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर साइड में रख लीजिएगा, इस रेसिपी को बनाने में कई बार उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। और 2 टीस्पून डाल देंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, और साथ में जाएगा इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, या फिर आप काला ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं। और 2 से 3 इसमें तेज़पत्ते डाल देंगे, और साथ में जाएगी इसमें 1 मीडियम साइज़ की रफली चॉप की हुई प्याज। बस अब इसमें पानी डाल देना है, तो 2 कप यानी कि 500 ml इसमें पानी डाल देंगे, आधा लीटर। और अब इसमें प्रेशर कुकर की लेड लगा देंगे, इसमें हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने का वेट कर लेंगे। जब 1 सीटी आ जाएगी, गैस की फ्लेम को धीमा करके 10 से 12 मिनट इसको पका लेंगे, और फिर इसके प्रेशर को खुद से निकलने देंगे। जब इसका प्रेशर खुद से निकल जाएगा, हमें मटन के पीसेस यहाँ से अलग कर लेने हैं और यखनी को अलग कर लेना है। तो एहतियात के साथ ये जो यखनी है ना, इसको साइड में रख दीजिएगा, और ये जो मटन के पीसेस हैं इसको भी साइड में रख देना है। अब क्योंकि जमजम पुलाव में मटन, चिकन, कोफ्ता और अंडे और फ्रेंच फ्राइज टाइप से सभी कुछ जाता है, तो अब यहाँ पर मैंने कोफ्ते बनाने की तैयारी करनी है। तो 250 ग्राम मैंने मटन का कीमा लिया, जिसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया, और आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, या फिर आप लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मसाले चले जाएंगे पिसे हुए कीमे के अंदर। तो ये जो कीमा है ना, मिक्सी में ग्राइंड किया हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब डाल देंगे इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें हरी मिर्च का पेस्ट। साथ में बाइंडिंग के लिए डालेंगे 2 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन, हल्का सा रोस्ट करके इस्तेमाल कीजिएगा। और बस इन सभी इन्ग्रीडियंट्स को खूब अच्छी तरह से मिला देंगे, और बस अब इसको छोटे छोटे से कोफ्तों का शेप दे देंगे। इसके जो कोफ्ते होंगे वो छोटे छोटे बनाएंगे, जिससे कि अच्छे से अंदर तक गल जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर कोफ्ते तैयार हो गए, इनको भी साइड में रख देते हैं। अभी हम सारी तैयारियाँ कर रहे हैं, तो सब जब तैयारी हो जाएगी तब हम पकाने का काम शुरू करेंगे। अब यहाँ पर हमें पुलाव का एक खुशबूदार मसाला तैयार करना है। 1 टीस्पून ले लेंगे मोटी सौंफ, 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 जावित्री का फूल, 1 बड़ी इलायची, 1/3 टुकड़ा जायफल का, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 7-8 लौंग और 7-8 छोटी इलायची। तो ये जो खुशबूदार से मसाले हैं ना, इसको एक मिक्सी के जार में डालिएगा और इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपका पुलाव का एक खुशबूदार मसाला तैयार हो जाएगा। तो मैं पाउडर बनाऊंगी इसका और साइड में रख दूंगी। अब यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू, जिसको मैंने पतला पतला काट लिया, जैसे कि हम फ्रेंच फ्राइज के आलू काटते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर मिला रही हूँ, वैसे तो फूड कलर ऑप्शनल है, लेकिन बहुत ही कलरफुल सा पुलाव बनता है इससे, तो मैं इसमें पीला, लाल और हरा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो बिना फूड कलर के भी इनको बना सकते हैं, और कलर के लिए आप चाहें तो लाल, हरी और पीली शिमला मिर्च को बारीक काट कर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फूड कलर है ना, मैंने मिला दिया है। मैं यहाँ पर शिमला मिर्च का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लाल, हरी और पीली जो शिमला मिर्च होती है वो काफ़ी महंगी पड़ जाती है। तो आलू जो है ना, वही काम करेंगे, खूबसूरत सा लुक तो ज़रूर देंगे, लेकिन आपको इतने महंगे नहीं पड़ने वाले हैं। और इधर हम जल्दी से चिकन भी मैरिनेट कर लेते हैं। तो सारी प्रिपरेशन जब हो जाएगी तब हम तलने का काम करेंगे। आधा किलोग्राम मैंने चिकन लिया हुआ है, 1/2 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है, और 1 टीस्पून इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, पेस्ट बनाकर रख लीजिएगा हरी मिर्च का, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और खूब अच्छे से मिला देंगे, और 10 मिनट के लिए इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। तो बस यहाँ पर तैयारी हमारी सारी हो चुकी है। अब हमें काम करना है तलने का, क्योंकि इसमें काफ़ी तलने का काम होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने इसमें गुर्दा और कलेजी इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि जमजम पुलाव में यूज़ करते हैं बहुत से लोग। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो 200 ग्राम के करीब गुर्दा कलेजी ले लीजिएगा, नमक मिर्च हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट लगाकर 10 मिनट मैरिनेशन के लिए छोड़ दीजिएगा, और फिर आपको उसको भी इसी तरह से फ्राई करना है जैसे कि मैं यहाँ पर बाकी की चीज़ें फ्राई करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मीडियम हॉट तेल गरम कर लेंगे, डीप फ्राई करना है हमें सब कुछ, तो अच्छी क्वांटिटी में तेल लेंगे। और बस अभी हम डाल देते हैं इसमें कोफ्ते, 1-1.5 मिनट कोफ्तों को टच नहीं करेंगे, जब ये अपना शेप ले लेंगे तब हम इनको अलटते हुए पलटते हुए फ्राई करेंगे, और तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक इनमें एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है। मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे, 6 से 7 मिनट लगेंगे कोफ्तों में एक अच्छा सा कलर आने में, और अंदर तक भी ये तकरीबन 70 से 80% कुक हो जाएंगे फ्राई करते टाइम। तो कोफ्ते हम निकाल लेते हैं। अब हमें आलू तल लेने हैं,
तो आलू के जो कलरफुल आलू है ना, एक एक जगह पर इस तरह से डालेगा, जैसे येलो आपने डाल दिया, फिर ऑरेंज डाल दीजिएगा, फिर ग्रीन डाल दीजिएगा, मिक्स मत कीजिएगा। आप देखेंगे 30-40 सेकंड में ये अपना कलर और अपना शेप ले लेंगे, उसके बाद आप इसकी साइड्स को टर्न कीजिएगा, तो ये जो कलर है ना आलू में मिक्सअप नहीं होगा, यानी कि एक कलर दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेगा। अब इनको भी फ्राई कर लेते हैं, इनको भी हमें 90% तक पका लेना है, तो 7 से 8 मिनट के लिए इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर कोफ्ते भी फ्राई हो चुके हैं, आलू भी फ्राई हो चुके हैं, और 4 से 5 अंडे भी मैंने उबाल कर रख लिए हैं। आप चाहें तो अंडों को भी तल सकते हैं, थोड़ा सा तल लें और फिर इनको 2 हिस्सों में या फिर 4 हिस्सों में काट लें। अब इसी तेल में हमें फ्राई कर लेना है चिकन। तो ये जो तेल मैं यूज़ कर रही हूँ ये राइस ब्रैन ऑयल है, जो कि अक्सर जब मैं कुछ इसमें डीप फ्राई करती हूँ तो झाग छोड़ देता है, तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा जो झाग आ रही है। लेकिन ये थोड़ा हेल्दी होता है कंपैरेटिवली रिफाइंड ऑयल के, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। और बस यहाँ पर हमें चिकन को भी 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई करना है, या फिर जब तक फ्राई कर लीजिए जब तक चिकन में इस तरह से एक गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता है। तो सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, फ्राइंग का काम भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब पुलाव बना लेते हैं। एक बड़ा सा वैसे ले लेंगे जिसमें कि आपको पुलाव बनाना है, 1 कप इसमें तेल गरम कर लेंगे। मैंने वही तेल ले लिया है जिसमें कि मैंने बाकी की चीज़ों को फ्राई किया हुआ है। अब इसमें कुछ साबुत गरम मसाले जाएंगे, 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 7-8 लौंग, 5 से 6 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची। तो बस ये थोड़े से ही गरम मसाले हम इसमें डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें गरम मसालों का जो हमने पाउडर तैयार किया है वो यूज़ करने वाले हैं। तो बस हल्का सा इनको क्रैकल कर लेंगे, जब जीरा वगैरह क्रैकल हो जाएगा हम डालेंगे इसमें 2 लार्ज प्याज, या फिर आप 3 मीडियम साइज़ की प्याज डाल सकते हैं, जो कि तकरीबन 2 कप के करीब हैं। और इसी के साथ इसमें 2 से 3 तेज़पत्ते भी डाल देंगे, और बस प्याज को मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक ये हल्की सी गोल्डन होना शुरू नहीं हो जाती है। जब इस तरह से ये हल्की गोल्डन होने लगेगी तब हमें इसमें ऐड कर देना है मटन, जो कि हमने यखनी से अलग करके रखा हुआ था, वो हम इसमें डाल देंगे। प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ में जो हमने चिकन फ्राई किया है वो भी हम इसमें डाल देते हैं, और बस इसको मिला देंगे इसके अंदर। और अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 2 टेबल स्पून के करीब ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये हरी मिर्च का पेस्ट है तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून के करीब, और 2 टीस्पून के करीब है धनिया का पाउडर। और नमक डाल देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने अभी इसमें डाला है। ऑलरेडी हमने यखनी वगैरह में भी नमक इस्तेमाल किया है, तो अभी हम कम नमक डालेंगे, बाद में ज़रूरत महसूस होगी तो और नमक आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा भून लेंगे अदरक लहसुन वगैरह को मटन और चिकन के साथ, और जब ये भुन जाएगा तब हम डालेंगे इसके अंदर 1 कप यानी कि तकरीबन 200 ग्राम के करीब दही, और दही के साथ भी हम इसको भून लेते हैं, 4-5 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो यहाँ पर मटन और चिकन खूब अच्छे से भुन चुका है, तो बस अब हमें शामिल करना है इसके अंदर चावल। तो मैं यहाँ पर 4 कप यानी कि 800 ग्राम बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यहाँ पर दावत ब्रांड यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी पसंद का कोई सा भी चावल जो भी आप पुलाव में यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो मटन की यखनी थी वो हम इसमें डाल देंगे, तो इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह डाल देंगे। बस जो नीचे आपका रह जाएगा ज़ीरा वगैरह वो आप छोड़ दीजिएगा। तो 2 कप के करीब हमारी यखनी थी ये मैंने इसमें डाल दी है। अब हम डालेंगे इसमें चावल के हिसाब का पानी। तो 2 कप यखनी हम डाल चुके हैं, 4 कप पानी और डाल देंगे, क्योंकि मैं 4 कप चावल यूज़ कर रही हूँ, तो चावल की क्वांटिटी का 1.5 गुना ज़्यादा इसमें पानी जाएगा। तो 4 कप मैंने चावल यूज़ किए हैं, कुल मिलाकर यखनी को मिलाकर मैंने 6 कप इसमें पानी डाला है, यखनी उसमें एडेड है, और जो मैंने शुरू में खुशबूदार पुलाव का मसाला बनाया था वो भी इसमें डाल दिया। और बस इसको मिक्स कर देंगे, इस पॉइंट पर नमक टेस्ट कर लेंगे। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने तकरीबन 1 टीस्पून इसमें नमक और डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर नमक रखिएगा, थोड़ा सा तेज़ नमक रखिएगा तभी जो पुलाव में सही टेस्ट आएगा नमक का। और अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, और 5 से 6 हरी मिर्च डाल देंगे साबुत, और साथ ही में खुशबू के लिए 2 टीस्पून के करीब केवड़ा वाटर डाल देंगे, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी इसको बना सकते हैं। बस मिला देंगे इसको, और बस अब हमें गैस की फ्लेम को हाई रखना है, और हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने का वेट कर लेना है। तो थोड़ा सा मैं इसको ढक दूँगी जिससे कि उबाल जल्दी आ जाएगी। जब हाई फ्लेम पर एक उबाल आ जाएगा हम इसको खोलेंगे और एक बार इसको ऊपर नीचे कर लेंगे। अब हम इसका दोबारा से ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हमें इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करनी है। तो जब इस तरह से थोड़ा सा ही पानी रह जाए चावलों में, उस टाइम पर आपको इसको हल्का सा एक बार फिर से ऊपर नीचे कर देना है, जिससे कि चावल हर तरफ से अच्छे से पक जाएँ। और अब इसमें डाल देना है 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी।
देसी घी डालने से पुलाव में या फिर बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू आती है, लेकिन आप चाहें तो ना डालें, स्किप कर सकते हैं। और साथ ही में डाल देंगे जो हमने आलू तले हुए हैं, और अंडे डाल देंगे। अंडों को मैंने फ्राई नहीं किया था, आप चाहें तो इनको भी हल्का सा फ्राई कर सकते हैं। और साथ में जो कोफ्ते फ्राई करके रखे हुए हैं वो भी इसमें डाल देंगे। तो जो हल्की हल्की सी कनी है ना कोफ्तों में या फिर आलू वगैरह में, वो दम के टाइम पर पूरी हो जाएगी। अब हमें पैन के नीचे कोई हैवी बॉटम तवा वगैरह लगा देना है। 2 मिनट गैस की फ्लेम को हाई रखिएगा जिससे कि ये खूब अच्छे से गर्म हो जाए। फिर गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए दम कर लीजिएगा। और 15 मिनट के बाद अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जमजम पुलाव बनकर तैयार है। और बस हल्के हल्के हाथों से आपको इसको ऊपर नीचे कर लेना है, लेकिन आपको इसी टाइम इसको सर्व नहीं करना है। आप बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ऊपर नीचे करके इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, उसके बाद ही आप इसको सर्व कीजिएगा। कोई भी पुलाव या फिर कोई भी बिरयानी आप अगर फ़ौरन सर्व ना करें, 15 मिनट का उसको रेस्ट दे दें, तो वो बहुत अच्छे से खुल कर आ जाती है, टेस्ट भी इन्हांस होता है और उसका जो लुक होता है वो भी अच्छा हो जाता है। अच्छा, मैंने इसमें अभी फूड कलर नहीं डाला है जो कि अब मैं डालने वाली हूँ। तो लास्ट में जब हम फूड कलर डालते हैं ना, तो वो पूरे चावलों में फैलता नहीं है। और एक तरीका और है कि आप जो है ना फूड कलर को 1 चम्मच दही के अंदर मिलाएं। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून दही लिया था और उसमें 1/4 चम्मच फूड कलर डाला था, और अब मैं थोड़ी थोड़ी जगहों पर इस तरह से फूड कलर को फैला दूँगी। तो इससे आप देखेंगे आपके जो चावल है ना, वो बस कुछ ही जगहों पर कलरफुल रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि सारे आपके चावल ऑरेंज हो जाएँ। तो ये एक टिप है, आप जब भी फूड कलर डालें तो उसको थोड़ा सा दही के अंदर मिक्स करके डालें। और अब मैंने इसमें तली हुई प्याज डाल दी और थोड़े से हरे धनिया के पत्ते डाल दिए हैं। और गैस की फ्लेम बंद है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं 15 मिनट के लिए इसको छोड़ रही हूँ, 15 मिनट के बाद मैं इसको सर्व करूँगी। और बस 15 मिनट हो चुके हैं हमारे चावलों को रेस्ट करते हुए, और हमारा बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही खुशबूदार जमजम पुलाव बनकर तैयार है। काफ़ी सारे स्टेप्स हैं इस पुलाव को बनाने में, लेकिन ये इतना टेस्टी बनता है कि इसको बनाना बनता है। आप बनाएंगे ना तो जो भी आपकी मेहनत है ना वो वसूल हो जाएगी, ये इतना सबको पसंद आने वाला है और बहुत ही अच्छा बनता है। और हर तरह के इसमें जायके मिल जाएंगे आपको, मटन, चिकन, कोफ्ता, आलू, अंडा, सभी कुछ मिलने वाला है। तो जिसको जो पसंद है वो पीस ले और इन्जॉय करें, बहुत मज़ेदार बनाएं। आई होप जमजम पुलाव की ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।